बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हियरिंग या स्पीच या इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं जो कि हियरिंग एड्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं. सो इट्स गिविंग होप, इट्स गिविंग देम अ लाइफ विच अ लॉट ऑफ अस एक्चुअली कैन ओनली ड्रीम टू डू एंड दे एक्चुअली डू इट. सो वी आर रियली वेरी प्रिविलेज्ड मैम, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर. This has been a very special afternoon and the girls have had a wonderful time here and I've made lots of lovely boyfriends who've been extremely affectionate. Don't miss this, huh? ऐसे जगह के पकड़ा हुआ है. बहुत बहुत अच्छा लगा यार, ये बहुत बहुत रोमांटिक है. इनफैक्ट अगर आप बाकी बच्चों से भी मिले यहाँ पर, कुदरत की यही तो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि इंसान को लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, मगर ऐसे बच्चे हमें सिखाते हैं कि या तो आप कमी को सेलिब्रेट करें या जो आपके पास ऊपर वाले ने गिफ्ट दिए हैं उन्हें सेलिब्रेट करें. आई थिंक ये वही करते हैं. यहाँ पर सारे बच्चे बहुत खुश हैं. देखिए, हमारे लिए, हम बाकियों के लिए नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमारी तीनों विनर्स किसी न किसी कॉज पर काम करती हैं. पिछले साल भी उन्होंने बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंड्स रेज किए, तो हमें बड़ी खुशी है इस साल भी हमारी बच्चियों को मौका मिल रहा है सबसे आके मिलने का, उनके साथ कॉन्ट्रीब्यूशन करने का. जब वो जीतेंगी इस साल तो एक साल उन्हें टारगेट होता है कि एक बच्ची को 10 लाख तक कॉर्पोरेट से और इवेंट से पैसे इकट्ठे करने होते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को जा सके आई एम फाउंडेशन के थ्रू. सो हर साल हम ये होमवर्क करते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं चुनिंदे हमारे देश में जो अच्छा काम करते हैं, जहाँ पे पैसा सही मायनों में लोगों तक पहुँचता है. देखिए, उन्हें ये भी सिखाया जा रहा है लड़कियों को, आईएमसी की जो फाइनलिस्ट हैं बधावन लाइफस्टाइल आईएमसी की, कि दुनिया में अकेले नहीं जिया जाता, हर चीज़ को एक बड़े कैनवस पर देखना पड़ता है, तब जाके इंसान को महसूस होता है कि भाई हम एक इतने बड़े देश के, इतने बड़े दुनिया के एक छोटे से सदस्य हैं. तो अनलेस यू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, यू विल नेवर बी रियली अ प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ योर ओन कंट्री और ग्लोबल. इनफैक्ट बीइंग ह्यूमन के साथ तो मेरा बहुत लंबा रिश्ता है, ना सिर्फ इसलिए कि वो सलमान खान की ऑर्गेनाइजेशन है, पर जैसे कि आप देख चुके हैं उनके जब भी फंड रेजर्स होते हैं हम हमेशा उसका हिस्सा होते हैं. मुझे बड़ी खुशी है दैट मानस शेट्टी एंड सुनील शेट्टी हैव सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव सेव द चिल्ड्रन, बट फॉर मी इट्स एक्चुअली एनीबडी हु डज गुड वर्क आई लाइक टू सपोर्ट देम एंड आई लाइक टू डू दैट थ्रू द आई एम फाउंडेशन. एक्चुअली 17 साल पहले जब मैं पहली दफ़ा एक ऑर्गेनाइजेशन में आई थी, वो साउथ अमेरिका में था, इन कोलंबिया, और वहाँ पर बच्चे मेरी भाषा नहीं बोलते थे और मैं उनकी भाषा नहीं बोलती थी, फिर भी मैंने इतने सारे दोस्त बनाए थे कि आज भी इतने सालों के बाद वो बच्चे बड़े हो गए हैं, बट दे स्टिल रिमेंबर मी एज शुश. सो आई थिंक यू नो यू मेक अ इम्प्रेशन इन समवन्स लाइफ एंड दैट लास्ट अ लॉन्ग वे. आई थिंक these children organizations they tell you that you celebrate life as opposed to looking at what is lacking. So hamari kismat bahut achhi hai that we are here and we are very very thankful to you ma'am for having us here. actually ek bacche ko nahi, do do bachcho ko god mein lene ki aadat hai saath mein, but nahi, I think it becomes kisi bhi maa ke liye ye posture ek bahut hi natural posture hai, aadat pad jati hai.